नमकीन भारत में सदियों से बनती चली आ रही है। पहले नमकीनों को हाथों से रगड़ रगड़ के बनाया जाता था, अब जगह ले ली है इन इलेक्ट्रिकल मशीनों ने। तो आखिरकार इन इलेक्ट्रिकल मशीनों द्वारा नमकीन को कैसे रेडी किया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, आपको आनंद आ जाएगा। क्योंकि गाइस सबसे पहले भट्टी में आग लगाई जा रही है। भट्टी में आग लग जाने के बाद इस पर तेल से भरी कढ़ाई को रखा जा रहा है। कढ़ाई को रख जाने के बाद इस पर इलेक्ट्रिकल मशीन को कढ़ाई पर सेट किया जा रहा है। मशीन को सेट करने के बाद इसमें बारीक छलनी लगाई जाएगी, जिसमें अपनी बारीक भुजिया निकल के बाहर आएगी। छलनी सेट करने के बाद इसमें 10 किलो प्योर सोयाबीन ऑयल डाला जा रहा है। और फूड ब्लॉगर होता ऐसा ही बोलता, सोयाबीन ऑयल नहीं, इसमें मूंगफली का ऑयल डाला जा रहा है। देखिए गैस, नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले भगोने में 4 लीटर पानी लिया गया है। पानी लेने के बाद उसमें 250 ग्राम हींग का पानी ऐड किया जाएगा। हींग का पानी ऐड करने के बाद 10 किलो बेसन लिया गया है, उसमें 400 ग्राम नमक ऐड किया जाएगा। नमक ऐड करने के बाद उसी बेसन में 200 ग्राम पीली मिर्ची ऐड की जाएगी। देखिए गाइस, बेसन और मसालों को इस भगोने टाइप मिक्सचर में डाल दिया जाएगा। डाल देने के बाद इस मिक्सचर में 1 किलो रिफाइंड ऑयल ऐड किया जाएगा। 1 लीटर रिफाइंड ऑयल लेने के बाद इस रिफाइंड ऑयल को बेसन और मसालों में ऐड कर दिया जाएगा। उधर भट्टी में ऑयल गर्म होता रहेगा और इधर बेसन 5 मिनट तक इस मिक्सचर में मिलता रहेगा। देखिए गाइस, 5 मिनट मिलने के बाद अपना जो नमकीन का बैटर था वो रेडी हो चुका है। बैटर रेडी हो जाने के बाद इस बैटर को इस मिक्सचर में से निकाल दिया जाएगा, जो अपने नमकीन बनाने के लिए परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। इस बेसन के बैटर को पहले तेल में डुबाया जाता है ताकि अंदर मशीन में चिपके ना। और भी देख लीजिए, बिल्कुल बारीक भुजिया निकल के बाहर आ चुकी है। और ऐसे इसमें बार बार बैटर लगाते रहेंगे और अपनी बारीक भुजिया निकल के बाहर आती रहेगी। अपनी बारीक भुजिया ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड में ही रेडी हो जाती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सभी को राम राम, जय हिंद।